नमस्कार, हिमाचल अभी अभी के रेडियो बुलेटिन के साथ मैं भावना ठाकुर, पेश है अब तक के प्रमुख समाचार। सबसे पहले हेडलाइंस। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी व 3 निर्दलीय बीजेपी में शामिल, सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का बागियों पर निशाना। ईमान बेचने वाले जनता का प्यार और समर्थन पैसों से नहीं खरीद सकते। शांता कुमार बोले, आज कुर्सी हथियाने की राजनीति, मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, श्री राम के आदर्श अपनाने होंगे। नगर निगम शिमला के कमिश्नर कोर्ट में हाजिर नहीं हुए, लखनपाल। अब 15 जून को सुनवाई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने ज्वालामुखी और बगलामुखी मंदिर में की पूजा अर्चना। झूठ बोलने और अफवाहें फैलाने में बीजेपी नंबर वन, चुनी हुई सरकार को गिराने की लगातार साजिश। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी और 3 निर्दलियों ने शनिवार को दिल्ली में बीजेपी ज्वाइन कर ली। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पार्टी मुख्यालय में इन्हें पटका पहनाकर पार्टी में शामिल किया। इन विधायकों ने हिमाचल में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोट किया था, जिससे कांग्रेस कैंडिडेट हार गए थे। इनमें सुजानपुर के राजेंद्र राणा, धर्मशाला से सुधीर शर्मा, लाहौल स्पीति से रवि ठाकुर, बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल, कुटलेहड़ से देवेंद्र कुमार भुट्टो व गगरेट से चैतन्य शर्मा, और निर्दलियों में देहरा से होशियार सिंह, नालागढ़ से केएल ठाकुर और हमीरपुर से आशीष शर्मा शामिल हैं। 6 विधायकों के बीजेपी ज्वाइन करने के बाद सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने ट्वीट किया, जिसमें कहा कि आया राम गया राम और धनबल की राजनीति करने वालों ने देवभूमि के जनादेश से धोखा करके आज अपना ठिकाना चुन लिया। आज वे उनके साथ बैठे हैं जिन्होंने ओपीएस मांगने पर कर्मचारियों का मजाक उड़ाया, जिन्होंने पेपर लीक घोटाला किया और युवाओं के रिजल्ट लटकाए, जो अपने फायदे के लिए महिलाओं के विरोध में खड़े हो गए, जिन्होंने देवभूमि के आदर्श व मूल्यों को अपनी बेईमानी व खरीद फरोख्त वाली राजनीति से कुचला। लेकिन लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, पैसों के लिए अपना ईमान बेचने वाले जनता का प्यार और समर्थन पैसों से नहीं खरीद सकते, जनता जवाब देगी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता शांता कुमार ने देश व प्रदेश में बने राजनीतिक हालात के बीच बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि आज सिद्धांतों की राजनीति नहीं रह गई। शांता ने कहा कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा, हमें राम के आदर्श पर चलना होगा, सिद्धांत की राजनीति अपनानी होगी। शांता कुमार ने कहा कि मैं हैरान होता कि जब देश गुलाम था तो राजनीति देश के लिए थी, लेकिन आजाद देश की राजनीति केवल कुर्सी के लिए रह गई है। उन्हें इससे ज़्यादा दुख इस बात का है कि उनकी पार्टी भी इस हवा में चल पड़ी है, मेरी पार्टी को नहीं चलना चाहिए था। शेष समाचार ब्रेक के बाद। आपके स्वास्थ्य का प्रहरी श्री बालाजी हॉस्पिटल कांगड़ा हिमाचल। कांग्रेस के बागी और कुछ देर पहले बीजेपी में शामिल हुए इंद्रदत्त लखनपाल आज अवैध भवन निर्माण को लेकर शिमला नगर निगम के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए। उनकी तरफ से कोर्ट में वकील पेश हुए। इस दौरान लखनपाल के वकील ने निर्माण को लेकर कोर्ट में कुछ दलील पेश की। अब यह मामला 15 जून को सुना जाएगा। शिमला में अवैध भवन निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से उन्हें नोटिस जारी किया था और आज उन्हें कोर्ट में व्यक्तिगत तौर पर हाजिर होना था। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत ने कांगड़ा जिले के शक्तिपीठों में दर्शन किए। अभिनेत्री ने अपने माता पिता के साथ ज्वालामुखी और बगलामुखी मंदिर में पूजा अर्चना की। कंगना ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट में लिखा, इस वर्ष मैं अपने जन्मदिन पर माँ शक्ति के दर्शन, मैं बचपन से ज्वाला देवी के दर्शन नियमित रूप से करती थी, आज बहुत सालों बाद माता का बुलावा आया तो सबके सुख और मंगल की कामना की। मुख्य संसदीय सचिव मोहनलाल ब्राक्टा और किशोरी लाल ने कहा कि बीजेपी झूठ बोलने और अफवाहें फैलाने में नंबर वन है। उन्होंने कहा कि भाजपा की पूरी राजनीति झूठ पर टिकी है और सोची समझी रणनीति के तहत अफवाहें फैला रही हैं। बीजेपी नेता मात्र अफवाहों का बाजार गर्म कर प्रदेश की जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से एक चुनी हुई सरकार को गिराने की साजिशें रची जा रही है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।